आज का जो फॉर्मूला है वो है H2CO3। इस फॉर्मूला का नाम क्या होता है? बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बेहद जगह यूज होता है केमिस्ट्री में, कई जगह आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए इस पार्ट में। इस हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। बट इसके एक नाम और होता है, क्या नाम होता है जो मेन ज़्यादा यूज होता है? वो होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के नाम से इसे जानते हैं। बट एस का मीन्स क्या हो गया? हाइड्रोजन। देन इसका मीन्स क्या हो गया? कार्बोनेट। ठीक, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? हाइड्रोजन कार्बोनेट। बट जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो है कार्बोनिक एसिड के नाम जानते हैं। फिर क्या होता है, आपको आयन भी जाना जरूरी है। मैं आपको फॉर्मूला रटाने रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ साथ में, कि जिससे क्या होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए आपको। दोस्तों आयन आपको पता होना चाहिए, आयन जरूर याद कीजिए। मैंने आयन के ऊपर पूरे वीडियो बनाया हुआ है, आपको जरूर मिल जाएगा, सर्च करिएगा जरूर मिल जाएगा। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बटा होता है। हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्लस की 1 होती है। देन कार्बोनेट की जो वैल्यू होती है माइनस की 2 होती है। क्या होगा, ये तो बचपन से करते आ रहे, 1 लिख किया कार्बोनेट को 2 लिखे तो क्या आएगा? H2CO3। ये बन गया हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको फॉर्मूले याद हो आते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली। 5 फॉर्मूले जरूर याद कीजिए, 5 वीडियोस मेरे भी आप डेली देखिए। एंड चैनल में अगर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब किए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।